हिमाचल प्रदेश में पहली बार बिलासपुर में एनसीसी की तर्ज पर पुलिस विभाग ने पुलिस कैडेट एक दिवसीय शिविर का आयोजन बिलासपुर पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया। इस शिविर में 5 स्कूलों के 150 पुलिस कैडेटों ने हिस्सा लिया। इस शिविर में पुलिस ने कैडेटों को आधुनिक हथियारों की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदर्शनी का भी आयोजन किया था। बिलासपुर की पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि पुलिस कैडेट योजना प्रति बिलासपुर जिला के 5 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। इस शिविर में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा बच्चों को पुलिस स्टूडेंट कैंडिडेट योजना के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, साथ ही नशे के दुष्प्रभावों के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस स्टूडेंट कैंडिडेट योजना के तहत बिलासपुर के 5 स्कूल चयनित किए गए हैं, जिनमें शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों ने पुलिस कैंडिडेट के रूप में इस मीट में हिस्सा लिया। इन स्कूलों के 8वीं कक्षा के बच्चे विभिन्न खेलों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। बिलासपुर में आयोजित किए गए एक दिवसीय पुलिस कैडेट शिविर में आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसमें पुलिस कैडेट को उनके बारे में जानकारी प्रदान की गई। पुलिस स्टूडेंट योजना की बात की जाए तो ये योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसमें पूरे देश में पुलिस स्टूडेंट कैडेट का गठन किया जा रहा है, जिसमें पुलिस इंडोर व आउटडोर प्रतियोगिताएं स्कूली बच्चों को करवाई जा रही है। वहीं खास बात यह है कि इसमें बच्चों को नशे, ट्रैफिक वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। जिला कांगड़ा के पंजाब से सटे नूरपुर क्षेत्र में नशे के बढ़ते प्रचलन के खिलाफ स्थानीय युवाओं ने यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स अभियान शुरू किया है। अभियान से जुड़े युवाओं ने एसपी कांगड़ा को ज्ञापन सौंपकर नूरपुर पुलिस थाना में पर्याप्त स्टाफ तैनाती की मांग उठाई है। यूथ ऑफ नूपुर अगेंस्ट ड्रग्स अभियान के तहत युवाओं द्वारा जहां स्कूल, कॉलेज व आईटीआई संस्थानों में शिविर आयोजित करके युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है, यही नहीं इन युवाओं द्वारा नशे के मामलों को पकड़ने में भी पुलिस को सहयोग किया जा रहा है। जिला पुलिस ने भी इन युवाओं के अभियान की सराहना की है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की पहल पर जिला पुलिस द्वारा 15 नवंबर से 16 दिसंबर तक आयोजित नशे के खिलाफ अभियान से प्रभावित होकर नूरपुर के युवाओं ने यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग का गठन करके नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया है। यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स के सदस्य रवि मेहरा ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान में स्कूलों, कॉलेजों व आईटीआई में जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं। नूरपुर क्षेत्र में नशे के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, जबकि नूरपुर पुलिस थाना में भी स्टाफ की कमी है। ऐसे में एसपी को ज्ञापन सौंपकर नूरपुर पुलिस थाना में पर्याप्त स्टाफ तैनात करने की मांग की गई है। एसपी जिला कांगड़ा विमुक्त रंजन ने बताया कि यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स के सदस्यों द्वारा नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया है, जो कि सराहनीय पहल है। युवाओं ने नूरपुर पुलिस थाना में स्टाफ की कमी का भी मामला उठाया है, जिस पर कदम उठाए जाएंगे और नूरपुर थाना में स्टाफ भेजा जाएगा। पोंग बांध विस्थापितों के हकों को दरबार में रखा गया था, जिसे हमने खुलवाया है। पोंग बांध विस्थापितों को मुरब्बे नहीं मिल रहे थे, जिसकी शिकायतें लगातार विस्थापित जन प्रतिनिधियों से कर रहे थे। इसी के मद्देनजर हमने प्रदर्शन किया और सरकार जागी तथा इस दबे मामले को खोला गया। ये बात देहरा के विधायक होशियार सिंह ने कही। होशियार सिंह ने कहा कि वर्ष 1970 में
पोंग बांध निर्माण के दौरान 25,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे, जो पिछले लंबे समय से अपने हकों से महरूम थे, जिन्हें न्याय दिलाने के लिए हमने आवाज बुलंद की है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में दिल्ली में भी बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश के राजस्व सचिव सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे, जिसमें हमने पोंग बांध विस्थापित का पक्ष रखते हुए सरकार से कहा है कि या तो पोंग बांध विस्थापितों को मुआवजा दिया जाए, या फिर राजस्थान में जहां श्रीनगर में उन्हें भूमि आरक्षित की गई है, वही उन्हें भूमि उपलब्ध करवाई जाए।